किसान है वो हिंसा का रास्ता अपनाए, हमने हिंसा की ही नहीं है। सरकार से बातचीत करके इसका हल होगा, लेकिन ये जो सरकार है ये सरकार गोडसे को पूजने वालों की सरकार है। गांधी जयंती के दिन हरियाणा में आज धान की खरीद को लेकर जमकर बवाल काटा गया। दरअसल धान की खरीद की तारीख बढ़ाए जाने से किसान काफी नाराज थे, जिसके बाद किसानों ने आज बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के घर को घेरने की चेतावनी दी थी। बता दें कि पिछले कुछ समय से हरियाणा में हिंसा की काफी तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों को लगातार सरकार की तरफ से धान खरीद के लिए इंतजार कराया जा रहा था, जिसके बाद किसान काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते किसानों ने कई विधायकों के घर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस दौरान एक बार फिर पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली। हरियाणा में आज अंबाला, सिरसा, करनाल में पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि किसानों ने कई जगह विधायकों के घर के बाहर लगे बैरिगेट्स को तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज सिरसा की सभी यूनियंस ने एसकेएम की कॉल को फॉलो करते हुए आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जिसने खुद इन तीन काले कानूनों पर हमारे डेथ वारंट्स के ऊपर सिग्नेचर किए, उनके घर का घेराव जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से गुलाबी सुंडी की वजह से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन के लिए बैरिकेड इन्होंने लगाई क्यों है? हम तो आज तो गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, हम तो शांत में ढंग से आ रहे थे। इनके गृह मंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया कि जो किसान है वो हिंसा का रास्ता अपनाए, हमने हिंसा की ही नहीं है। बता दे कि आज गांधी जयंती है, जिस पर किसानों ने कहा हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर बैरिकेडिंग की, जिसकी वजह से ही मामला इतना आगे बढ़ गया। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि किसानों की तरफ से दी गई चेतावनी को लेकर पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली थीं, जिसके बाद भी किसान नहीं माने और लगातार बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते रहे। देखिए, किसान तो पूरा पहले ही बर्बाद हो चुका है। गुलाबी सुंडी ने नरमे को ख़त्म कर दिया और बरसात ने नरमे की फसल को ख़त्म कर दिया। 80 से लेकर 100% नरमे उत्पादक किसान तबाह हो चुका है। उसकी मांग को सुना नहीं जा रहा, उल्टा धान के ऊपर 1 तारीख को जो बोली होनी थी मंडियों के अंदर, उसको हरियाणा सरकार ने रद्द करके 11 अक्टूबर से शुरू कर दी है। सो आज गांधी जयंती है, शांतिपूर्वक आ रहे थे, लेकिन ये जो सरकार है ये सरकार गोडसे को पूजने वालों की सरकार है। तैयारी तो यही है, अभी जब आएंगे उनको शांति प्रिय ढंग से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप भैया इसका हल होगा, सरकार से बातचीत करके इसका हल होगा। उनको समझाने के लिए फोर्स लगाई गई है, सुरक्षा के लिए तो 24 घंटे बंदोबस्त है, नाके लगे हुए हैं, भी शांति व्यवस्था कायम रहे। भारतीय किसान यूनियन ने सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। हुड्डा क्षेत्र में महिला थाना के पास किसान इकट्ठे हुए और रोस मार्च निकालते हुए सांसद आवास तक पहुंचे, जहां पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। फिर क्या था, किसान आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। बता दें कि पंचकुला में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया, साथ ही दर्जन से ज़्यादा किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर को बैरिगेट्स पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा में गांधी जयंती के दिन किसान और पुलिस के बीच झड़प ने गांधी के सिद्धांतों को चोट पहुंचाई है, क्योंकि गांधी शांतिवादी थे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किसानों और सरकार के बीच ये विवाद कब जाके थमेगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स। लेकिन ये जो सरकार है ये सरकार गोडसे को पूजने वालों की सरकार है।